मेरा फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हो यार तो सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस चैनल पे। या ओके, तो आज का जो वीडियो है ना वो मिंत्रा मैक्सी ड्रेसेस हॉल के ऊपर है। लास्ट टाइम मैंने मिंत्रा कुर्ती हॉल एंड मिंत्रा सूट सेट हॉल भी डाला था, वो मेरे चैनल में बहुत 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 लाइक किया गया। मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ मैक्सी ड्रेसेस भी दिखाती हूँ और उसको मैं कैसे स्टाइल कर रही हूँ वो आइडियाज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जस्ट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है, चलो उसी से स्टार्ट करते हैं जो अभी मैंने पहना हुआ है। तो ये एक लेवेंडर कलर का फुल मैक्सी ड्रेस है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉलर नेक है, ठीक है। अब अगर एक हैक जैसा भी है, अगर आप कॉलर नेक में थोड़ा आपको लगता है कि आपकी हाइट कम लग रही है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक हाई बन बना सकते हो जैसा कि मैंने बनाया है, जिससे कि आपका लुक इलांगेट लगता है और आपको हाइट थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो ये हैक आप ट्राई कर सकते हो। ये मैंने बीबा से लिया था। अगर आपको इसका साइज़ जानना है तो ये 34 में है बीबा का, और ये मैंने मिंत्रा से ही सारे ऑर्डर किए थे। लेकिन देखो, अगर लिंक्स नहीं मिलेंगे, अगर मान लो ये सारे सोल्ड आउट हो गए होंगे तो मैं लिंक्स नीचे नहीं दे पाऊँगी, लेकिन अगर सोल्ड आउट नहीं हुए होंगे तो मैं डेफिनेटली लिंक्स डाल दूँगी। इसमें क्या हुआ था कि कुछ वन ऑन वन बाय मतलब बाय वन गेट वन फ्री ऐसा कुछ ऑफर चल रहा था, तो इसके साथ मैंने जो आपको मैं नेक्स्ट ड्रेस दिखाऊंगी वो वन ऑन वन मिला था। तो जो हाईएस्ट प्राइस होता है उसका प्राइस पे करना था, एंड आई गेस ये 2700 का था। तो आप ये समझ सकते हो 2700 में मुझे दो कुर्ती मिल गई थी, लाइक मैक्सी ड्रेस मिल गया था, तो ये बहुत अच्छा डील था। तो इस टाइप के आप मिंत्रा एंड बीवा के साइट्स में डेफिनेटली ऐसे कुछ सेल का वेट कर सकते हो, ऐसे कुछ ऑफर्स का वेट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि है ना ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इस टाइम लेवेंडर कलर बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो यू नो यू विल लुक ऑन ट्रेंड। लेवेंडर कलर की कुर्ती, लेवेंडर कलर के मैक्सी ड्रेसेस समर्स में बहुत सूदिंग रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सो आप डेफिनेटली इस टाइप के कलर में इन्वेस्ट ज़रूर करना। Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? Yeah, I watch them disappear in nothing, disposable as chewing. तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरा ये लेवेंडर कलर बहुत ही फेवरेट कुर्ती है, और मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा था। और क्योंकि 2700 में मुझे दो ऐसी मैक्सी ड्रेसेस मिल गई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा डील लगा। इस टाइप के डील आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, और मेरे ख्याल से आप सर्च करते रहना मिंत्रा में, ये सब सारे डील्स आते ही रहते हैं। अच्छा हाँ, और लास्ट टाइम मुझसे किसी ने मेरा लिपस्टिक शेड, लास्ट वीडियो में मिंत्रा हॉल का लिपस्टिक शेड भी पूछा था, वो मैंने हुडा ब्यूटी का बॉनी कलर एक होता है वो शेड लगाया हुआ था। और अगर आज का शेड जानना है तो मैंने फेंटी ब्यूटी का पहले रेड कलर वाला लिपस्टिक लगाया है, उसके ऊपर मैंने एक न्यूड सा कलर लगा लिया है जो कि निक्स ब्रांड का है। और अगर आप जानना चाहते हो कि वो मैं और कौन से ब्रांड्स के लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, वहाँ मैं हर समय बताती रहती हूँ कि मैं किस टाइप की लिपस्टिक ट्राई कर रही हूँ या यूज़ कर रही हूँ, मुझे पसंद है। तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलो नेक्स्ट कुर्ती की तरफ मूव करते हैं। जो ये नेक्स्ट कुर्ती आप देख सकते हो, ये एक रेड एंड वाइट में कुर्ती है। तो ऐसे फ्लावर टेक्सचर की कुर्ती भी बहुत अच्छे लगते हैं समर्स में। मैं एक पूरा वीडियो ला रही हूँ जहाँ पे आप फ्लोरल को अपने वार्डरोब में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, चाहे फ्लोरल ड्रेस हो, चाहे फ्लोरल कुर्ती हो, फ्लोरल हैंडबैग हो, एवरीथिंग मैं उस वीडियो में सब कुछ कवर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना यार, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो स्टाइल, हाउ टू स्टाइल एंड फैशन वीडियोज लाती रहूँगी। एंड या आई थिंक इतना सेल्फ प्रमोशन बहुत है। अब इस कुर्ती की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक कॉलर नेक कुर्ती है, और ये बिल्कुल, मैं बार बार कुर्ती बोल रही हूँ पर ये सारे मैक्सी ड्रेसेस हो के, ये कुर्ती नहीं है। और ये बिल्कुल बहुत बड़ा घेर है, आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा घेर है। इसके अंदर स्लिप भी दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगा, इसके अंदर एक स्लिप भी है। तो ये काफ़ी फ्लोर लेंथ तक है, और इसके साथ आपको हील पहनना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी फ्लोर लेंथ है। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये रेड एंड वाइट जो कॉम्बिनेशन है, ये समर्स में देखने में बहुत सूदिंग और बहुत प्यारा लगता है। इसमें छोटे छोटे फ्लोरल्स हैं, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा बल्की नहीं लगोगे। तो ये भी एक हैक है, अगर आप थोड़े बल्की साइड में हो तो डेफिनेटली छोटे छोटे फ्लोरल चूज़ करना, ठीक है।
ओके अब ये कॉलर नेक है तो इसको आप देखो, मैंने इसको बिल्कुल डिफरेंट टाइप से स्टाइल किया है। कॉलर नेक को मैं पूरा बंद करके एक मैंने एक नेक पीस पहन लिया, इससे बड़ा ही स्लीक एंड बेट टुगेदर लुक आता है। और लोग ऐसा मोस्टली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मैक्सी ड्रेस पहनी है तो बड़ा सिंपल से ही पहन लोगे, लेकिन अगर आप ऐसे मैक्सी ड्रेसेस के जो कॉलर है उसको पूरा बंद करके अगर कोई नेक पीस डालोगे तो वो काफ़ी डिफरेंट लुक, इंडो वेस्टर्न लुक तो क्रिएट कर ही रहा है, काफ़ी स्ट्रीम लाइन लुक भी क्रिएट करेगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। If I'm a finder keeper, not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something deeper. If I find it, I'm a keeper. The next kurti ki taraf move karte hain. ये भी बीवा ब्रांड का है, और जो मैंने लास्ट वाला दिखाया था वो भी बीवा ब्रांड का ही था। तो मैंने जैसा बताया था कि 1-on-1 फ्री मिला था, तो वो जो फर्स्ट लेवेंडर था उसके साथ वो रेड वाला 1-on-1 करके मिल गया था, दोनों बीवा ब्रांड के हैं। ये तीसरा भी बीवा ब्रांड का ही है जो मैंने मिंत्रा से लिया था, इसमें मुझे कोई ऑफर नहीं मिला था तो इसका मैंने पूरा 2700 ही पे किया था। अब ये देखो, ये ऐसे ऐसे है, मतलब इसके अंदर जो है इनर है उसके ऊपर ही ऐसा कवर है, तो इसको आप ना बहुत सारे तरीकों से फिर पेयर कर सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर सिर्फ एक डेनिम जैकेट डाल लो, जीन्स पहन लो। ठीक है, तो मेरा फ़ोन आ गया था, इट्स ओके। हाँ, तो मैं जैसा बता रही थी कि ये जैसा आपको अगर ऐसा इस टाइप का इनर मिलेगा ना, तो आप इसको और भी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। दूसरी कुर्तीज़ जो कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट है उसके अंदर भी ऐसा इनर यूज़ कर सकते हो। डेनिम जैकेट के अंदर डेनिम जैकेट इसके ऊपर पहन लो और जीन्स पहन लो, तो भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। इवन इस कुर्ती को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने से ये देखो ओपन है, ठीक है, क्योंकि अंदर आप वो इनर पहनोगे और सामने से ही ओपन है। तो आप ना इसको इंडो वेस्टर्न लुक भी क्रिएट कर सकते हो। जीन्स पहन लो, अंदर वाइट टी शर्ट पहन लो और ऊपर ये एज अ जैकेट पहन लो, और कुछ यू नो नेक पीसेस डाल लो, ये बहुत अच्छा, ये लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं देख रही हूँ इसको मैंने पूरा बोहो लुक दिया है और काफ़ी इंडो वेस्टर्न लुक दिया है। तो इस टाइप का जो ये मैंने नेक पीस पहना है, और एक्चुअली अगर देखो रियल लाइफ में पहनूंगी तो मैं सिर्फ नेक पीस पहनूंगी या तो सिर्फ इयररिंग पहनूंगी, पर फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं चाहती थी कि मैं आपको दिखा सकूँ कि यू नो आप इस टाइप के भी लुक्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने इस लुक में रियली बहुत ज़्यादा थॉट दिया हुआ है। तो यू नो इस टाइप के आप लुक्स क्रिएट कर सकते हो इसमें। यू नो आप देखो, मैंने जो तीनों ही ड्रेसेस दिखाए इसमें आप बेल्ट्स भी लगा सकते हो, पर मुझे पर्सनली इसमें बेल्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं लग रही थी इसलिए मैंने बेल्ट नहीं लगाया, लेकिन वैसे आप बेल्ट भी लगा सकते हो। और अगर इसकी आवाज़ आपको आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज मैं क्योंकि ऐसा बड़ा इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करी थी तो मैंने सोचा कि इस टाइप के बैंगल्स बहुत अच्छे लगेंगे। तो हाँ, आप इस टाइप के बैंगल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही सस्ते आते हैं। ये मैंने सरोजनी नगर से 50 रुपीज़ में पेयर लिया था, तो आप समझ सकते हो ओनली 25 रुपीज़ का एक बैंगल था, तो इट्स रियली रियली चीप। तो डेफिनेटली आप इस टाइप के चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लुक्स क्रिएट कर सको। My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. If I'm a finder keeper, not saying. अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मुझे ऐसा लगता है मैंने लेवेंडर वाले के लिए भी यही बोला था, लेकिन यू नो ये लेवेंडर और ये वाला मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि ये प्रिंट फर्स्ट ऑफ ऑल बीवा इज़ जस्ट वन ऑफ द ब्रांड्स जो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंट्स बनाता है ना, और बहुत क्लासी प्रिंट्स बनाता है। तो ये ऐसे रेड ग्रीन वाइट में बस सिंपल मतलब फ्लावर्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका जो ओवरऑल लुक है बहुत ही बहुत प्रिटी है। जो नेक्स्ट कुर्ती है ये एक्चुअली बीवा ब्रांड की नहीं है, और ये मैं फिर से कुर्ती बोल रही हूँ पर एक्चुअली हम मैक्सी ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट मैक्सी ड्रेस है ये डब्लू ब्रांड की है, और ये थोड़ी कॉस्टली थी एक्चुअली, इट वॉज़ फॉर अराउंड 5000। ये मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था, तो उस टाइम ऑब्वियसली उस समय कोई भी ऑफर नहीं चल रहा था, तो ये 5000 के आसपास का मुझे पड़ा था। लेकिन आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल फ्लोर लेंथ तक है, और इसमें इतना सुंदर घेर है, और प्लस देखो ये कलर, ऐसा कलर जल्दी से देखने नहीं मिलता है, थोड़ा ये इंग्लिश कलर में ही आएगा, और ये लाइट ब्लू कलर है। इसको मैंने बहुत ही अलग टाइप से स्टाइल किया है, आप देख सकते हो इसमें मैंने नथ भी पहना है और मैंने एक्सटेंशंस लगाए हुए हैं और बहुत ही बड़ा इयररिंग, एंड वो जो बाहुबली वाला होता है जो मैं बिल्कुल पीछे यू नो लड़ी जाती है, मैंने वो भी लगाई हुई है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल बहुत ही
ही अलग लुक क्रिएट किया था, तो मैंने सोचा कि ये लुक भी मुझे ज़रूर दिखाना चाहिए अगर आपके घर में ऐसा कोई फंक्शन आने वाला है। वैसे अभी कहाँ किसके यहाँ क्या फंक्शन होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन है, आप रेडी होना चाहते हो ना, इस तरीके से रेडी हो, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे रेडी जल्दी से नहीं होते हैं, तो काफ़ी आप आउट ऑफ द बॉक्स लगोगे, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगोगे और आप बहुत ही प्रिटी लगोगे। इस लुक के लिए मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिले थे और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लुक है जो मैंने अब तक क्रिएट किया है। पर अगर आप देखो तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। इस टाइप के मैक्सी ड्रेसेस का फ़ायदा यही होता है कि आपको लिटरली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मैक्सी ड्रेसेस पहन लो, आप अपने मेकअप और ज्वेलरी एंड एसेसरीज के साथ खेल सकते हो जिससे कि आपका लुक डिफरेंट दिखे ना। इसमें मैंने बिल्कुल इंडियन लुक क्रिएट किया है, जैसे अभी तक मैं आपको इंडो वेस्टर्न लुक्स दिखा रही थी सेम मैक्सी ड्रेसेस से, और ये वाला जो लुक है ये बिल्कुल 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 इंडियन लुक है। आप मुझे बताना कि इन चारों में से आपका फेवरेट लुक कौन सा है, और हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मुझे लिंक्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली नीचे डाल दूंगी, और नहीं मिले तो मैं सिमिलर आइटम सर्च करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, आपको मज़ा आया, आपको मेरी एडिटिंग स्टाइल अच्छी लगी, आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक देना, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। एंड या अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, प्रेस ऑल, ताकि मैं इसी टाइप के जब स्टाइल वीडियोज़ लाऊँ आपको पता चलते रहे, एंड यू कैन बी फैशनेबल ऑल द टाइम। एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।